कोरोना संक्रमण ने कई बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया छीन लिया। इन्होंने जो खोया है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। हम अगर इनके भविष्य को संवारने में साथ जरूर दिया जा सकता है। इसी बात को समझते हुए सरकार ने इनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कोरोना संक्रमण में अपने माँ बाप को खोने वाले बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 2000 की सहायता राशि दी गई। वहीं कुछ बच्चों को सरकार ने नामांकन और पढ़ाई में भी सहयोग करने की बात कही है। स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ देने पहुंचे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुरेश वर्मा ने बच्चों को कपड़ा, खिलौना और कंबल भी दिया। एडीजे मधुरेश वर्मा ने आश्रित अभिभावकों को सरकार की योजना विधवा वृद्ध पेंशन, पीएम आवास योजना, शौचालय योजना का लाभ देने के लिए सदर बीडीओ और सीओ को भी निर्देशित किया। झालसा के निर्देश पर लागू किया गया है, चालू किया गया है। इसमें वैसे परिवार जिनके मतलब वन ऑफ द पेरेंट्स जो हैं, जो उनकी मृत्यु कोविड में हो गई है, उसके लिए जो सरकारी सहायता जो है वो DSA के थ्रू और जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, ये मतलब दो बच्चियाँ हैं यहाँ पे, साजन वालिया, हशिश वालिया, एक 11 साल की, एक 16 साल की है। साजन वालिया जो है वो केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी हैं और हशिश वालिया जो है वो 10th पास की हैं इस बार और सेंट मैरीज स्कूल में पढ़ती हैं। 11th में इनका एडमिशन होना है। स्पॉन्सरशिप स्कीम के अंतर्गत में इन लोगों को 2000 रुपया जो है वो मतलब आदेश कर दिया गया है, उनके खाता में आज चला जाएगा। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।